गाइस, थाली की सीरीज में आज मैं आपके साथ एक और थाली की रेसिपी लेके आ गई हूँ। आपको मेरे चैनल पे पता है 90 के ऊपर थाली की रेसिपी मिल जाएगी, मतलब 3 महीने अगर आपको सोचना ही ना पड़ेगी आपको खाने में क्या बनाना है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसमें आपको फेस्टिवल रिलेटेड, डेली से रिलेटेड, बिना प्याज लहसुन के बहुत सारी थाली मिल जाएगी। आज की सब्जी जो हम बना रहे हैं वो है तुरई की, पर ये एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 तुरई ले ली है। सबसे पहले तुरई को वॉश करके आपको छील लेना है। जब आप इसे छील लो तब आपको इसमें बीच में एक कट लगाना है, एकदम गहरा गहरा कट लगा लीजिए। देन इसको कुछ इस तरीके से खोल लीजिए बिल्कुल अच्छे से। अगर ये तुरई पकी हुई है या इसमें बहुत ज्यादा बीज वगैरह है तो आप वो निकाल सकते हो, मतलब बीज का ये जो गूदा है ना वो आप चाहे तो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम तीनों तुरई को बीच से स्लिट कर लेंगे और इस तरीके से खोल लेंगे। अब इसके लिए एक मसाला बनाना है। उसके लिए आपको प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, छोटा टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्ची लेनी है, जिसे एकदम फाइन क्रश कर लेना है। अब वो आप डाल दीजिए एक बड़े बर्तन में। साथ ही में इस मसाले को बाइंड करने के लिए हम इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे। नॉर्मल बेसन लेना है आपको, रोस्टेड बेसन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि जब सब्जी पकेगी तो बेसन भी अपने आप पक जाएगा। मसाले में इसमें हम 1.5 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच ही धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला, 1 पिंच हींग। अगर हींग ज्यादा स्ट्रोंग वाला है तो 1 पिंच लेना, अगर नॉर्मल है तो आप 1/4 चम्मच ले सकते हो। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तुरई में जो भरने के लिए स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब हम तुरई को खोलेंगे और इस तरीके से जो स्टफिंग हमने बनाई है ना वो अच्छे से दबा दबा के इसमें भर देंगे। अच्छे से आपको दबा दबा के भरना है, ताकि पूरे कोने में जो स्टफिंग हमने भरी है ना वो अच्छे से चली जानी चाहिए। तो आप इस तरीके से चम्मच से भी भर सकते हो या फिर हाथों से भी इस तरीके से आप भर सकते हो। थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, वो हम ग्रेवी में काम में लेंगे। और अब इस तरीके से इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग भरने के पहले भी पीसेस में कट करके बाद में भी आप स्टफिंग इसमें भर सकते हो। और जिसमें थोड़ी बहुत स्टफिंग कम है उसमें भी हम वापस से स्टफिंग भर देंगे। और इस तरीके से सारी तुरई के हम बड़े बड़े पीसेस यहाँ पे कट कर लेंगे। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। तो 2 चम्मच तेल गरम करना है, उसमें आप 1 तेज पत्ता डाल दीजिए, साथ ही में कुछ कुटे हुए खड़े मसाले, ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। 1/4 चम्मच आपको जीरा और राई लेना है। जैसे ही क्रैकल होने लग जाए ना फ्लेम एकदम कम कर देनी है। फिर इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले जलने नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब 3 टमाटर को मैंने क्रश कर लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर थे जिनको मैंने क्रश करके मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाए ना तब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप फ्रेश मलाई। आपको मलाई ज्यादा पुरानी नहीं लेनी है, कोशिश कीजिए फ्रेश मलाई लो और मिक्स कर देना है। जब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता, वरना मलाई भी जो है ना वो फटी फटी सी दिखती है। अब थोड़ा सा मसाला बच गया था तो इस स्टेज पे मैं वो मसाला भी इसमें डाल रही हूँ और मिक्स कर देंगे। अब मसाला भी काफी थिक है तो मैं यहाँ पे 1/2 कप के करीब गर्म पानी डालूंगी और मिक्स करके इस मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और इतने से मसाले के लिए थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया ताकि नमक जो है ना वो बैलेंस रहे। आप चाहे तो नमक को स्किप कर सकते हो क्योंकि हमने पहले भी इसमें काफी नमक डाल दिया है। और मसाले को अभी तब तक भूना जब तक कि मसाले ने तेल ना छोड़ दिया। तो अभी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बस इससे ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है। अब जो तुरई के पीसेस हमने कट करके रखे थे ना वो हम डालेंगे, हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है। देन वापस से हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे या फिर जब तक कि तुरई सॉफ्ट नहीं हो जाती। कई लोगों को कच्ची कच्ची तुरई पसंद है तो आप 2 से 3 मिनट पकाइए। अगर आपको एकदम मैशी तुरई पसंद है तो आप 4 से 5 मिनट पका सकते हो। जब तक हम रोटी बना लेते हैं तो 1 कप जौ का आटा लेना है, 1 कप आपको गेहूं का मोटा आटा लेना है, जो हम बाटी वगैरह में काम में लेते हैं ना वो वाला मोटा आटा, और 1/2 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। अब एकदम गर्म पानी के साथ आपको इसका आटा लगाना है। एकदम गर्म पानी के साथ आटा लगाते हैं ना तो रोटियां टूटती नहीं है और काफी सॉफ्ट बनती है। थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डाला है और चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि पानी एकदम गर्म है।
उसके बाद हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो आटा है ना वो हम हाथों से टैकल कर पाए उतना हो जाए। उसके बाद आपको इसका अच्छे से मसल मसल के आटा लगा लेना है और इसके आटे को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बीच में सब्जी बन गई थी तो मैंने फ्लेम उसका बंद कर दिया है क्योंकि आटा हमारा यहाँ पे लगा रही थी मैं। आटा अच्छे से लग चुका है, इसको 5 मिनट छोड़ देंगे, तब तक चलिए सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है, वापस मैंने इसको गर्म होने रखा है। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी, आपने इस तरीके से सब्जी कभी बनाई नहीं होगी तो एक बार ट्राई जरूर करना। चलिए अभी फ्लेम बंद करके अब हम चलते हैं रोटी की तरफ। तो आटा यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है, इस वाले आटे को रेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, आप इसके हाथों हाथ रोटी बना सकते हो। अब आप चाहे तो इसकी रोटी मोटी भी बना सकते हो या फिर आप चाहे तो पतली भी बना सकते हो। सूखे आटे से कोट करना है, पहले हाथों से लोई को थोड़ा फैला लीजिए, देन आप बेलन की मदद से रोटी बेल लीजिए। आप इसकी मोटी पतली, आप इसकी जितनी पतली रोटी बेलेंगे ना ये उतनी बेल जाएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, बीच में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। मैं एक रोटी को थोड़ा सा मोटा बेला, अब एक मैं आपको पतली भी सेक के दिखाऊंगी कि दोनों ही रोटियां बहुत अच्छे से फूलेगी। अब रोटी सेकने के पहले तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके ऊपर आपको रोटी डाल देनी है और ऊपर इस तरीके से आपको पानी लगाना, जैसे हम तंदूरी रोटी बनाते टाइम नीचे की तरफ पानी लगा के उसके तवे पे स्टिक करते ना, वैसे ही आपको इसमें ऊपर की तरफ पानी लगाना। उससे क्या होगा ना, रोटी के ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और रोटी हमारी फूलेगी। अब पहले रोटी को आप दोनों तरफ तवे पे सेक लीजिए। अब आप चाहे तो रोटी को पूरी, जैसे हम नॉर्मली रोटी सेकते ना तवे के ऊपर पूरी, वैसे सेक लीजिए या फिर डायरेक्ट फ्लेम पे इसे सेक लीजिए और सारी ही रोटियां बहुत फूली फूली बनेगी और इतनी सॉफ्ट बनती है ना कि अगर आप सुबह की शाम भी खाओगे या फिर अगले दिन सुबह भी खाओगे ना तो भी ये रोटी इतनी ही सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरीके से आप रोटी में ना रोज वेरिएशन किया कीजिए। आपको हफ्ते के 7 दिन गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, कभी आप जौ की खाइए, कभी बाजरे की खाइए, कभी मिक्स आटे की खा लीजिए, कभी बेसन गेहूं को मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आपको वेरिएशन करते रहना चाहिए। अब ये दूसरी रोटी मैंने पतली बनाई है, वो भी देखो एकदम अच्छे से फूली है ना, तो मैंने सारी रोटियां यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। तो ये वाली जो रोटी है ना वो दाल पालक के साथ और इस तुरई की सब्जी दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करना। आई एम श्योर आपको ये वाली थाली बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे मेरी आईडी है पीजे होममेकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको बिहाइंड द सीन और काफी सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, सो मेक श्योर करना आप वहां पे भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।